पीएम नरेंद्र मोदी पर डेटा ब्रीच के आरोप के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल अनपढ़ हैं। उन्हें ये तक नहीं पता कि डेटा एनालिसिस का मतलब जासूसी करना नहीं होता। पात्रा ने उन आगे कहा था कि आधुनिक युग इन्फॉर्मेशन का युग है जो राहुल जी नहीं समझ पाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रविवार को पीएम मोदी पर डेटा ब्रीच का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। जब आप मेरे ऑफिशियल ऐप पर साइन अप करते हैं तो मैं आपका सारा डेटा मेरे मित्र अमेरिकन कंपनी को दे देता हूँ। इस पर केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने भी राहुल पर पलटवार किया था, लेकिन यहाँ आपका जानना जरूरी है कि डेटा ब्रीच क्या होता है। आम भाषा में डेटा ब्रीच की परिभाषा के बारे में बात करें तो साइबर सिक्योरिटी कंपनी ट्रेड माइक्रो के मुताबिक, अगर किसी सिस्टम से कोई जानकारी चोरी या निकाली जाती है जिसकी खबर सिस्टम ओनर को ना हो, उसे डेटा ब्रीच कहा जाता है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवाओं का उपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने गुजरात चुनावों को प्रभावित करने के लिए ब्रिटिश एनालिटिका की सेवाएं ली। वहीं कांग्रेस ने इसको खारिज करते हुए कहा था कि क्या बीजेपी ब्रिटिश एनालिटिका व भारत में इसकी पार्टनर ओवेलेनो बिजनेस इंटेलिजेंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। हालांकि ये जो आरोप प्रत्यारोप कर चल रहा है, लेकिन इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल अनपढ़ हैं? क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बड़े राजनेता हो वो टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझता हो। तो ऐसे में ये बात सिद्ध हो जाती है कि राहुल गांधी टेक्नोलॉजी के मामले में अनपढ़ नहीं कहा जा सकता। टेक्स 9 टेक की रिपोर्ट।